प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो हजरा आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई रिव्यू चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू, मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस पिक्चर के ट्रेलर का नाम है पागलपंती। जी हाँ दोस्तों, पागलपंती पिक्चर में ही पागलपंती है और पिक्चर के ट्रेलर में शुरुआत से लेकर अंत तक पागलपंती है। सिर्फ एक ही पिक्चर में आप देखने मिलते हैं हर तरह के पागलपंत, और वो भी सिर्फ आखिरी में सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो है पैसा। शुरुआत से लेकर आपको अंत तक हर तरह की हरकतें देखने को मिलते हैं। थोड़ा कॉमेडी चलता है पिक्चर का ट्रेलर, शुरुआत से लेकर तक कॉमेडी ही कॉमेडी है। इस पिक्चर में तीन हीरो है, तीन हीरोइन है और दो सपोर्टिंग एक्टर्स है जो विलन की रोल कर रहे हैं, और थोड़ा कॉमेडी भी चलता है शुरुआत से लेकर अंत तक। इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं जॉन अब्राहम और हर्षद वासी और पुलकित सम्राट, और हीरोइन के रोल कर रहे हैं उर्वशी और एलिना डिसूजा, और तीसरे हैं कीर्ति करबंदा। जी हाँ दोस्तों, वाकई ट्रेलर काफी अच्छा है, एकदम कॉमेडी है, और पिक्चर का ट्रेलर शुरुआत से एंड तक अच्छी तरह जाता है। और काफी टाइम हमारे तीन हीरो दिखाई देते हैं शेफ कोट में, एक शेफ की तरह और कभी एक पेशेंट की तरह, पेशेंट के ड्रेस कोड में रहते हैं हॉस्पिटल में, इस तरह चलता रहता है। बाकी पिक्चर का ट्रेलर काफी अच्छा है और एकदम कॉमेडी लगता है पिक्चर। और इस पिक्चर में सब दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं हमारे अनिल कपूर जो काफी अच्छे फेमस एक्टर है, और सौरभ शुक्ला जो काफी अच्छे एक्टर, वो भी एक कभी बाप के रोल करते हैं तो कभी विलन के रोल करते हैं, काफी अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं हमारे अनिल कपूर साहब और सौरभ शुक्ला भी, वो भी काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर पर दिखाई देते हैं। पिक्चर का ट्रेलर काफी अच्छा है, काफी एकदम एक्शन दिखाया गया है, एकदम रोमांचक दिखाया गया है, एकदम मॉडर्न दिखाया गया है। बाकी ये पिक्चर जब रिलीज होगी अगले महीने 22 नवंबर 2019 को, तब पता चलेगा कि पिक्चर कैसा है, बॉक्स ऑफिस में कैसे जमा पाएगी और कैसे नाम कमा पाएगी और कितना कमा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।